इस समय पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है। रूस और यूरोप ने अपने साझा स्पेस मिशन को रद्द कर दिया है, तो रूस ने अपने कई सारे मिशन को रद्द कर दिया है। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी भारत को मिलने वाले राफेल विमान के निर्माण को भी बंद कर दिया है, जिससे भारत को राफेल फाइटर प्लेन मिलने में देरी हो सकती है। भारत ने भी इस महामारी को देखते हुए फ्रांस के इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन इस सबके बीच अमेरिका स्वार्थी बन चुका है और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल अमेरिका ने वैश्विक महामारी के बीच भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसे में जर्मनी और फ्रांस ने भी अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ऐसे वक्त में हथियारों का परीक्षण करना ठीक नहीं। बता दें, वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे दुनिया अमेरिका की तारीफ करे। हालांकि अमेरिका ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वह रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले कमज़ोर है, क्योंकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है, जबकि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 27 गुना ज़्यादा है। यानी कि अमेरिका की सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रूस की सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 33000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल का और भी परीक्षण करना बाकी है और ये मिसाइल युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है, जबकि रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती भी कर दी है और यही बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही और अमेरिका रूस का मुकाबला करने के लिए किसी भी हद तक जाकर जल्द से जल्द अपनी मिसाइल का परीक्षण कर सेना में शामिल करना चाहता है और यही वजह है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी अमेरिका अपनी वैश्विक जवाबदारी को भी नहीं निभा रहा मगर अपनी मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस कदम से यूरोपियन यूनियन नाराज है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका अपनी जवाबदारियों को समझे।